थानाबुराड़ी इलाके में चली ताबड़तोड़ गोलियों से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम को कुछ बदमाशों ने दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान 22 साल के अनुज और 19 साल के आनंद उस ब्राह्मण के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा और सारे मामले में सतर्कता दिखाते हुए चंद घंटों में ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों का नाम बीसी अनिल कुमार स्वामी और अरमान अली बताया जा रहा है। इनके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। हालांकि मृतकों के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अनिल बीसी के साथ कई लोग शामिल हैं और पुलिस सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही चश्मदीद गवाहों को पीटकर उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। अनिल स्वामी ने पैसे खिला दिए, पुलिस वालों के मुंह बंद हो गए हैं उनके, और जो भी वहां पे जा रहे हैं थाने के बाहर खड़े हो रहे हैं उन्हें पुलिस वाले गाली दे के या अशब्द बातें बोल के भगा दे रहे हैं वहां से। और अनिल स्वामी अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए चाय पानी कॉफ़ी सब कुछ आ रही है, और जो विटनेस है जो गवाह हैं उनको अंदर कुत्ते की तरह गिरा गिरा के मारा जा रहा है। मेरा नाम रवि है और कल शाम करीब 5 बजे के करीब मेरे भाई का मर्डर हुआ है और उसके दोस्त का, और हम जगजीवन राव आए थे यहाँ से। पुलिस वाले हमें थाने लेके गए थे और जितने उसके दोस्त विटनेस थे उसको भी लेके गए थे। कल रात से उन्हें बहुत मार रहे हैं और गवाह पलटवाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं है और उनसे मिलने भी नहीं दे रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। जिन लोगों ने ये किया है उनको अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया है। अनिल स्वामी ने पैसे खिलाए हैं। कल रात जब मैं थाने में गया था तो अनिल स्वामी वहाँ बैठा हुआ था, पर जब मैं आज सुबह गया तो वो वहाँ नहीं था, और इसमें मनीष का भी हाथ है। ये सब जानते हुए भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कल पीएस बुराड़ी इलाका के अंदर एक मर्डर का वारदात हुई थी, उसमें तीन चार लोग थे आपके, दूसरा ग्रुप में अनुज और आनंद, इन दोनों को फायरिंग करने के कारण डेथ हो गई थी। और इसमें इमिडियट तुरंत केस रजिस्टर करने के बाद दो लोग तो गिरफ्तार कर चुके हैं। एक तो जो मेन आदमी वो वारदात में मौजूद था, अरमान अली, जो वेस्ट कमल कंबिगार में रहता है, उनको गिरफ्तार करके उनसे एक कंटीमेंट पिस्टल और लाइट राउंड बरामद हो चुके हैं। इसके पीछे जो अनिल स्वामी जो यहाँ जो विलेज आज़ादपुर में रहता है उनके भी पकड़ चुके हैं, और ये दोनों गिरफ्तार के बाद पता चल गया, और इसमें दो और आदमी वांटेड है। उसके लिए तीन कंस्टिट्यूट करके हम रेडी चल रहा है और 33 आगे बढ़। दिल्ली दस्तक के लिए दिव्या के साथ रवि डालमिया की ये रिपोर्ट।